Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we start 10th class math lecture. Exercise 1.1 unit 1 start karenge hum. Continue kar rahe the 1.4 ko radical equation solve kar rahe the. To unke teen question reh gaye the hamare remaining exercise ke last 3 question attempt karne. To lecture start karne se pehle, if you like our videos then like, comments and subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Let's start lecture. तो 1.4 कंटिन्यू करेंगे हम यूनिट 1 की. तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है. अब इसमें 9 10 11 लास्ट क्वेश्चन है इसके सेम एक ही टाइप के. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं पहले. तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x square plus x minus 1 is equal to 1. अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंटर में माइनस है, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास सेम वैल्यू है x square plus x plus 1 अंडर रूट के अंदर. तो उसको हम रिलेट कर लेना वो y के इक्वल. जो सेम वैल्यू होगी स्केयर रूट में उसको आप रिलेट कर लेना वो y के इक्वल. तो लेट x square plus x is equal to y. वैल्यू अगर आप पुट करें तो y plus 1 and minus y माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो ये तो आपके पहले टाइप के क्वेश्चन बन गए. अब अगेन वही काम है, आपने स्केयरिंग करनी है ऑन बोथ साइड. सो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट y प्लस 1 माइनस अंडर रूट y माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर. ये फॉर्मूले आपको पहले भी सारी एक्सरसाइज में आप करके आ रहे हैं. माइनस वाला फार्मूला प्लस वाला तो किस तरह ओपन हो गया. ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस टू फार्मूले वाला, और एक ही रूट के नीचे y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब देखें ये 1 से कटिंग हो गया 2y माइनस 2 अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक दफा प्लस एक दफा माइनस था तो इक्वल में क्या आ गया 1. अब यहाँ पे रिमेनिंग रह गया माइनस 2 अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y. तो अगेन अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे अगेन स्केयरिंग करेंगे इसकी. तो माइनस टू अंडर रूट वाई स्केयर माइनस वन का होल स्केयर इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई का होल स्केयर. यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो फोर इंटू वाई स्केयर माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस फोर वाई स्केयर एंड माइनस फोर वाई. ओके, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. ये इधर आके हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y. इसको इधर ले आएंगे तो देखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4y इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट ये कटिंग होगी तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 5/4. y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5/4. माइनस 5 उधर जाके प्लस हुआ, 4 डिवाइड हो गया. ओके, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन x है तो x से रिलेटेड जो वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देंगे y के ऊपर. x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4. तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 एंड 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टराइजेशन ऐसी कोई है ही नहीं कि 20 का पेयर बने तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए. वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 5 ओवर 2 इंटू 4. अगर आप देखें इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 और अब माइनस माइनस प्लस 4 द 16 इंटू 5. तो देखिए 16 इंटू 5 इट्स 80 प्लस 80 प्लस 80 ओवर 2 4 द 8. इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 96 ओवर 8. अब 96 का स्केयर रूट तो हमारे पास होता नहीं है, हमें पता है. तो हम कैसे करेंगे 96, अगर आप इसके थोड़े से पेयर बना के देख लें 96 के 96
3 to the 9, 3 to the 6. उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the, 2 the 4, 2 1 the 2. अब अगर आप देखें 2 का pair, 2 का pair, 2 2 the 4 और 4 for the 16. 16 into 6 अगर आप देखें किसके इक्वल होता है 96 के. 16 into 6, 96. तो इसको हम लिख सकते हैं x is equal to minus 4 plus minus 16 into 6 divided by 8. ठीक है. तो अब 16 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है उसका आपने पेयर बना के लिख लेना है. तो देखें x is equal to minus 4 plus minus 4 under root 3 और divided by 8. x is equal to 4 कॉमन निकाला minus 1 plus minus under root 6 over 8. तो x is equal to 4 to the 8. It means that हमारे पास माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स ओवर टू. अब एक दफा प्लस एक दफा माइनस, अब इसमें एक्सट्रीमियस रूट कौन सा है और वैसे रूट आपका कौन सा है वो आप लोगों ने क्या करना है, इसको वेरीफाई करके चेक कर लेना है. तो यही हमारे पास इन दोनों के हमारे पास प्रूव आ रहा है कि दोनों से प्रूव आ रहा है. तो इट मीन दैट यही इसका क्या होगा सोल्यूशन सेट माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स ओवर टू. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 9. अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है सेम टू सेम. तो उसके लिए भी यही काम हमें पहले करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन देखिए x² + 3x + 8 क्वेश्चन नंबर 10. x² + 3x + 8 + x² + 3x + 2 is equal to 3. तो अब ये हमारे पास जो है आपके पास सेम क्वेश्चन है. तो आपने उसी तरीके से इसका स्केलिंग ऑन बोथ साइड, पहले हम लेट कर लेते हैं x² + 3x को. तो लेट x² + 3x is equal to y. तो वैल्यू पुट की y + 8 + y + 2 इज इक्वल. डिफरेंट तरीके से मैं करवा दूंगा कि y + 2 को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो देखें क्या बनेगा. y + 8 इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 2. अब अगर हम स्केल लें इसके बोथ साइड पे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड करें तो y प्लस 8 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 2 का होल स्केयर. अब देखें यहाँ पे तो आ जाएगा y प्लस 8, यहाँ पे 3 का स्केयर 9 और प्लस अंडर रूट कर देगा y प्लस 2 और माइनस फार्मूले वाला 2 3 का 6 अंडर रूट y प्लस 2. सिंप्लीफिकेशन के लिए स्केयर रूट के अलावा बाकी वैल्यूज इधर ले जाते हैं. तो y प्लस 8 माइनस 9 माइनस 5 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट y प्लस 2. तो देखें y y से कटिंग होगी. अब 9 और 2 11, 11 में से 8 गए माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट y प्लस 2. अब आप ये भी काम कर सकते हैं कि बहुत साइड आप किससे डिवाइड कर दें माइनस 3 से. बहुत साइड आप किससे डिवाइड कर सकते हैं माइनस 3 से. तो जब माइनस 3 से बहुत साइड आपने डिवाइड किया माइनस 6 अंडर रूट वाई प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस 3, ये कटिंग होके बन गया वाई, ये कटिंग होके बन गया 2 अंडर रूट वाई प्लस 2. अब अगेन हम इसकी स्केलिंग करेंगे, जब अगेन स्केलिंग करेंगे तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई प्लस 2 का होल स्केयर. तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 2. तो 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 8. अगर आप देखें 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4y. तो माइनस 7 इज इक्वल टू 4y. माइनस 7 ओवर 4 इज इक्वल टू y. अब y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वलेंट की हुई है x² प्लस 3x के. x² प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 4. तो 4x² प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 4 इधर आगे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 7 इधर आगे प्लस हो गया. अब 7 4 था 28 का ऐसा पेयर कोई नहीं होता जिसे हम सॉल्व करें तो 12 आए. तो हम इसके भी फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू अब माइनस 12 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 4. तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 12 सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 144 प्लस माइनस 4 फॉर द 16
ठीक है, माइनस 4 4 16 16 इंटू 7। अब 16 इंटू 7 हमारे पास कौन क्या होगा, 16 इंटू 7 112 एंड डिवाइडेड बाय 2 4 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से 112 हमने माइनस किए, इट्स 32 ओवर 8। एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, तो देखें एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 8, एक्स इज इक्वल टू 4 कॉमन माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 8, कटिंग होगी 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। इट मीन्स यही सोल्यूशन सेट है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक करना आपका काम है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। तो अब लास्ट क्वेश्चन बस इस एक्सरसाइज का हमारा रह गया 1.4 का, और इसके साथ यूनिट भी खत्म हो जाएगा, तो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब लास्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसी मेथड से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि दो वैल्यू अंडर रूट में है सेम उसके अंदर वैल्यू होगी, तो देखिए जरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 11 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस इक्वल टू 4 एंड 5। इसमें ये वैल्यू सेम है तो इसको हम लेट कर लेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, वैल्यू पुट करें y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। उसी मेथड से एक अंडर रूट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो देखें y प्लस 9 को इधर ही मैं रहने देता हूँ, 5 माइनस अंडर रूट y प्लस 4, स्केलिंग ऑन बोथ साइड आपको पता करनी है, तो y प्लस 9 का होल स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट y प्लस 4 का होल स्केयर। यहाँ पे आपको पता है y प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 का स्केयर 25, y प्लस 4 y प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, और अब माइनस 25 का 10 अंडर रूट y प्लस 4, तो शिफ्टिंग करेंगे y प्लस 9 माइनस 25 माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 10 अंडर रूट y प्लस 4। कटिंग देखिए ये कट आउट हो गया, अब 25 में से माइनस 25 और माइनस 4 माइनस 29 प्लस 29 क्या माइनस 20 इक्वल टू माइनस 10 अंडर रूट y प्लस 4। अगेन आप देखिए उसी तरह गामा किस से डिवाइड करेंगे बोथ साइड इजी बनाने के लिए माइनस 10 से, तो माइनस 20 ओवर माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर y प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 10। तो अब रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास आ गई इसकी, वो हमारे पास देखेंगे आ रही है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में आते होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज के, तो आपने इनको अटेम्प्ट खुद से जरूर करना है, आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई, ये कट आउट हुआ देखें, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट बाय प्लस 4 अंडर रूट बाय प्लस 4, अगेन स्केलिंग करेंगे अंडर रूट खत्म करने के लिए, तो 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू y प्लस 4 का होल स्केयर, 4 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 y इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट y की वैल्यू क्या आ गई 0, हमने तो x में लगाना है, तो x के जरिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, अगर इसमें से x कॉमन निकालें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, तो यही आपके आंसर होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको जुबानी चेक करवा देता हूँ, 0 वैल्यू पुट की 009, तो 9 का अंडर रूट क्या होगा आपके पास 3004, और 4 का अंडर रूट आपके पास क्या होगा 2, तो 3 प्लस 2 5, ओके आ रहा है, ठीक है। 3 माइनस 3 देख लेते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18, और माइनस 3 3 का 9 18 18 0 हो गया, यहाँ पे देखें 3 3 का 9 और 3 3 का 9, इसमें 9 माइनस 9 0 4, और अब यहाँ पे हमारे पास 1 है यहाँ पे 4 5, इसमें दोनों आंसर सही आ रहे हैं इसके, तो सॉल्यूशन सेट में अगर आप देखें सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो आंसर आएगा
उसको आपने क्या लिखना है, माइनस थ्री एंड जीरो, क्योंकि दोनों पे वेरिफिकेशन हो रही है माइनस थ्री एंड जीरो। तो ये आपके 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, लास्ट थ्री क्वेश्चन थे। तो आप इनको अपनी नोटबुक पे लाजमी सॉल्व करना है, इनको अपने हाथ से सॉल्व करने का, कोई प्रॉब्लम आती है नहीं सॉल्व हो रहा तो कमेंट्स करके पूछा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स कर दीजिए कीजिएगा, और उसके साथ साथ आप कमेंट्स में जो भी आपको वीडियोस चाहिए हो जिस टॉपिक से रिलेटेड मैथ में, वो आप कमेंट्स में करके हमसे करवा सकते हैं। इंशाल्लाह उन टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।